ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें बताया गया था कि कुल देवी कौन होती है, कुल देवी का मतलब क्या होता है, कुल देवी किसे कहते हैं, कुल देवता किसे कहते हैं, ये क्यों हमारी पूजी जाती हैं और इनका हमारे देव पितर, जो हमारे देव पितर होते हैं उनके साथ इनका क्या संबंध होता है। ये वीडियो मैंने अभी कुछ समय पहले अपलोड की थी और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गुरु जी हमें अपनी कुल देवी का पता नहीं है, हम अपनी कुल देवी का कैसे पता करें, हम अपने कुल देवता का कैसे पता करें, कैसे उसके विषय में हम जान सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय में आपको बता रहा हूं कि आप अपनी कुल देवी या देवता के बारे में कैसे जान सकते हैं, कैसे आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। देखो ये एक शोध का विषय होता है, शोध का विषय ऐसा होता है कि आप अपने जो बुजुर्ग हैं, आपके चाचा ताऊ बुआ कोई भी हो बुजुर्ग, आपके पीढ़ी में कोई भी आपके कुल, जो आपका कुल है, देखो कुल जो होता है ना, कुल कुल चलता है गोत्र से, आपका जो गोत्र है उस गोत्र को उठाकर देखें, उस गोत्र से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे पता करें, उनके परिवार से पता करें, वो आपको बताएंगे कि भाई हमारी कुल देवी कौन सी थी, उनको उनसे पता लगेगा। जो आपके कुल के, जो आपके गोत्र के व्यक्ति हैं उनसे पता करें, वो बताएंगे आपके कि हमारी कुल देवी कौन है कौन नहीं है। आपके गोत्र के जो आपके भाई बंधु हैं, चाचा ताऊ हैं, आपके कुनबे के व्यक्ति हैं, आपकी बुआ हैं, तो वो आपको अवश्य बताएंगे कि भाई हमारी कुल देवी वो थी, हम उसको पूजा करते थे, वो हमारी कुल देवी थी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जाकर दूसरी जगह रहने लगे, उनको अपने परिवार के बारे में पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कुल देवी कौन सी होती है, किस प्रकार हम इसका पता करें। तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूं, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है शुक्रवार के दिन आपको शुक्ल पक्ष में करना है, ध्यान रखना ये कार्य शुक्ल पक्ष में करना है, शुक्ल पक्ष की कोई भी तिथि हो शुक्रवार का दिन होना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको करना क्या है, सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कक्ष में जब जाएं तो पूजा के स्थान पर आपको एक सिक्का रखना है, उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है, सुपारी एक साबुत सुपारी रखें, साबुत सुपारी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, सिक्के के ऊपर एक सुपारी रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दें, हल्का सा जल छिड़क दें, उसके बाद उसके ऊपर कलावा, जो हाथ में कलावा बांधते ना, ये कलावा उसके ऊपर रखें, कलावा उसके ऊपर रखकर उसको हल्का सा आप रोली से तिलक करें, तिलक करने के बाद कुछ मीठा वहां पर चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि हे कुल देवी या देवता, आप जो कोई भी हैं, आप जो भी हैं, आप हमें आकर रास्ता दें, हमें अपना माध्यम बताएं कि हम आप कौन हैं, अपना कोई ना कोई रास्ता दिखाएं, अपना कोई ना कोई जरिया दिखाएं, तो या तो किसी के द्वारा आपको पता लग जाएगा या स्वप्न में पता लग जाएगा। तो ये कर्म आप करें सुपारी का, और ये कंटिन्यू आपको 21 दिन करना है, ध्यान रखना 21 दिन आपको कंटिन्यू ये आपको करना है, हर रोज सीके के ऊपर एक सुपारी आपको रखनी है, उसको जल से स्नान कराना दो चार बूंदों से, उसके बाद में तिलक करना है और रोली का एक धागा उनको चढ़ा देना है, तो वह गौरी गणेश का रूप धारण कर लेगा, तो वह आपको हर रोज करना। अब सवाल आता है कि भाई ये सुपारियां इकट्ठी हो जाएंगी, इनका क्या करना, वे इकट्ठी करते रहें 21 सुपारियां, उनके बाद उन्हें जल प्रवाह कर दें, तो ये तो हो गया। ये अब आपको प्रार्थना ये करनी है हर रोज के, आप कुल देवी या देवता जो भी हैं हमें रास्ता दें, सामने आकर हमें बताएं कि आप कौन हैं, हमारी कुल देवी कौन है या देवता कौन है, और जब रास्ता मिल जाए तो उनसे प्रार्थना करें कि आप हमें रास्ता दें और हमारे घर में आकर विराजमान हो, हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि जब तक कुल देवी का आशीर्वाद नहीं मिल जाता तब तक आप ये समझ लीजिए किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओगे तो वहां पर जिस भी तीर्थ स्थान पर जाओगे, जिस देवता के पास जाओगे, वह भी आपको यही कहेगा कि भाई पहले अपनी कुल देवी या देवता को मना करा, पहले अपने माँ बाप को पूज तब हमारे पास आना, यदि माँ बाप ही तेरे प्रसन्न नहीं है तो फिर किसी भी पूजा पाठ का करने का कोई फायदा नहीं है। तो कुल देवी का मनाना इसलिए अति उत्तम होता है, किसी भी सिद्धि साधना में या किसी भी पूजा पाठ में कुल देवी का विशेष महत्व होता है। कुल देवी के बिना कोई भी परिवार कुछ समय तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस परिवार में गड़बड़ होना प्रारंभ हो जाता है। कुल देवी जब तक आपके सही नहीं रहेगी तो दो चार पीढ़ी तो आपकी निकल जाएंगी, लेकिन दो चार पीढ़ी के बाद ऐसा घर का नाश होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कुल देवी को अग्रणी रूप में करके चले। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप अपने परिवार वालों से पूछें, या फिर नहीं मिल कोई रास्ता मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन यही होता है कि आप परिवार से पता करें, वहीं से आपको कहीं ना कहीं से सुराग मिल जाएगा, आपको 101% मिल जाएगा। या ध्यान करें कि आपको स्वप्न के माध्यम से क्या चीज दिखाई दे रहा है, आपने ये क्रिया की सुपारी वाली, आपको स्वप्न में क्या चीज दिखाई दे रही है, उस चीज को समझे जाने और समझ कर फिर आप उस कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। कुल देवी का विशेष महत्व होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।